गुड इवनिंग एवरी वन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। इन टूडेज वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ ग्रुप्टूरियन स्पेक्ट्रोस्कोपी, दैट इज रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। सबसे पहले हमने क्या किया था, जब तक आपका कोलिजन क्या रहेगा, इलास्टिक कोलिजन रहेगा। दैट मीन्स जब आप कोई भी लाइट इंसिडेंट करते हो, अगर जो लाइट स्कैटर्ड होती है विदाउट इंसिडेंट, जैसे अगर आपने किसी एटम पे सपोज लाइट इंसिडेंट किया, ये लाइट क्या है, एक फोटोन की फॉर्म में है। अगर ये फोटोन आपके जो ओरिजिनल जिस पर आप स्पेक्ट्रा स्टडी करना चाहते हो उसके साथ इलास्टिक कोलिजन करती है, दैट मीन्स वो उसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आती, दूर से उसे इफेक्ट डालती है, देन जो आपकी स्कैटर्ड बीम होगी, स्कैटर्ड बीम की जो फ्रिक्वेंसी होगी और जो इंसिडेंट बीम की फ्रिक्वेंसी होगी, दैट विल बी द सेम। तो ये लिखा हुआ है, इफ़ द कोलिजन इज इलास्टिक देन द स्कैटर्ड फोटोन विल हैव द सेम एनर्जी एज द इंसिडेंट फोटोन। इफ हाउ एवर द कोलिजन इज इन इलास्टिक देन द स्कैटर्ड फोटोन विल ईदर हैव हायर एनर्जी और लोअर एनर्जी। लेकिन जब आपका इंसिडेंट फोटोन आपके जो एटम पर आपने सैंपल पर या सैंपल पर आपने फोटोन रेडिएशन डाली हैं उसके साथ इन इलास्टिक कोलिजन करता है, दैट मीन्स अगर वो टच कर जाता है तब आपके पास जो स्कैटर्ड फ्रिक्वेंसी होगी या तो इधर वो स्कैटर्ड से ज़्यादा होगी, इंसिडेंट ज़्यादा होगी स्कैटर्ड कम होगी, या फिर वाइस वर्सा होगी, स्कैटर्ड ज़्यादा होगी इंसिडेंट कम होगी। क्लियर? अभी ये बात तो हमें समझ में आती है कि किसी फोटोन ने स्ट्राइक किया, उसने अपनी थोड़ी सी एनर्जी क्या कर दी, इस एटम को ट्रांसफ़र कर दी, और इसलिए जब वो स्कैटर हुआ तो थोड़ी सी कम फ्रिक्वेंसी रहेगी या थोड़ी सी कम एनर्जी रहेगी। लेकिन ये बात थोड़ी डाइजेस्ट करना मुश्किल है कि जब इनइलास्टिक कोलिजन हुआ, पहले उसकी इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी सपोज करो 5 सेंटीमीटर इनवर्स थी, अब जब वो स्कैटर होकर आया तो हमारे पास एनर्जी कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर इनवर्स। यानी कि कुछ एनर्जी हमारा जो ओरिजिनल एटम जिस पर हमने इंसिडेंट की है उसने अपनी एनर्जी किसको दे दी, फोटोन ऑफ लाइट ऑफ फोटोन को दे दी, जिस वजह से जो स्कैटर हुआ उसकी एनर्जी क्या हो गई, रेज कर गई। तो ये फिनोमिना सबसे पहले रमन ने स्टडी किया था, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्योंकि जो जब आपके पास इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी इक्वल होती है स्कैटर्ड के, तब तो आपके पास रेले लाइंस बनती हैं, यानी कि जितनी आपने इंसिडेंट करी वहीं पे आपका फोटोन एक्साइट होके वापस आ गया, जैसे आपने एनर्जी प्रोवाइड किया उस लेवल पे गया, उसी लेवल से जब वो एक्साइट हुआ तो वो अनस्टेबल हो गया, अनस्टेबल हुआ तो वो उसी लेवल पे वापस आ गया। लेकिन ये थोड़ी डाइजेस्ट करना मुश्किल है कि वो हमने जैसे फोटोन इंसिडेंट किया हायर एनर्जी का, मतलब लेवल ज़ीरो से इंसिडेंट किया लेकिन वो लेवल वन पे वापस आया। दूसरा वे क्या है, हमने लेवल ज़ीरो वन से इंसिडेंट किया लेकिन वो वापस कहाँ पे आया, लेवल ज़ीरो पे। जब आपने इंसिडेंट ज़्यादा किया और स्कैटर कम हुआ तब आपको कौन सी लाइंस मिलेंगी, स्टॉक्स लाइंस। और जब आपके पास एनर्जी ज़्यादा, मतलब आपके पास जो स्कैटर्ड फोटोन है उसकी एनर्जी ज़्यादा आई है, तब आपको मिलेंगी एंटी स्टॉक लाइन। हाउएवर एंटी स्टॉक लाइन के अक्कर करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम है सोल्यूशन में, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी इंक्रीज़ होती है प्रीवियस से, तो इसके चांसेस कम है, बट स्टिल इट इज एग्जिस्टिंग। तो यहाँ पर हमने क्या स्टडी किया, इफ़ वी फर्दर अज्यूम दैट द टोटल किनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटोन इज इक्वल्स टू एच न्यू प्लस ई, एच न्यू डैश प्लस ई, क्योंकि हमें पता है कि हमने जो फोटोन की एनर्जी दी है वो किसी एटम पे इंसिडेंट किया, लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी क्या बोलता है कि बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन आपका एनर्जी क्या रहना चाहिए, कंजर्व रहना चाहिए। तो इसका मतलब कौन चेंज हुआ होगा, दोनों फेजेस चेंज हुए, ई एच न्यू इज एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन, एच न्यू डैश स्कैटर हुआ, ई इज एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल बिफोर कोलिजन और ई डैश आपकी आफ्टर कोलिजन। तो ये इक्वेशन बन गई, अभी आपने सिर्फ इसे रीअरेंज किया तो आपको ये एक्सप्रेशन मिल गया। तो हमने इसमें से क्या फाइंड आउट किया, अगर आपका न्यू डैश के इक्वल यानी कि इंसिडेंट स्कैटर्ड के इक्वल हुआ तो एनर्जी डिफरेंस इक्वल आ जाएगा, इसका मतलब एनर्जी सेम लेवल पे आके लाइक जहाँ से चले थे वहीं पे वापस आएंगे। लेकिन अगर दो केस हो गए, या तो स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी ज़्यादा हुई तो इसका मतलब हमारा जो इंसिडेंट एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल है वो एनर्जी ज़्यादा, यहाँ से एक्सप्रेशन को आप फिल करके ये साइमल्टेनियस नहीं बुलाना,
ये आपने तीन केसेस रख लिए। जब आपकी स्कैटर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी तब आप उसे क्या बोलोगे, एंटी स्टॉक लाइंस। जब आपकी स्कैटर फ्रिक्वेंसी कम होगी उसे आप बोलोगे स्टॉक लाइंस। केस वन इज रेफर टू एज अ रेले स्कैटरिंग वाइल अदर टू केसेज आर फॉल अंडर दी रमन स्कैटरिंग। तो रमन सिर्फ इन दो केसेज को पड़ेगा, ये वाला रेले ने किया। When the molecule excited to high unstable vibrational state, it will return to the original vibrational state. जहाँ से हमने शुरू किया वहीं पर वापस आए तो आपको रेले स्कैटरिंग मिलेगा। If it return to different vibrational state, then you will get the Raman scattering experience, either stocks or anti stocks. तो आप वैसे ही mention कर दोगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्या आपको बताया हुआ है, जो आपके पास रेले लाइन्स हैं उनकी अक्कर करने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, क्योंकि हमें पता है कि जितना आपने इंसिडेंट किया होगा उतना ही अगर वापस स्कैटर हो गया तो ठीक है। हमारे पास जो इलास्टिक कोलिजन हुआ होगा तो रेले स्कैटरिंग की जो इंटेंसिटी है या जिस उसकी पीक है उसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद चांसेस क्या हैं, स्टॉक्स लाइन। स्टॉक लाइन क्या बोलती है कि हो सकता है जो आपने फोटोन इंसिडेंट किया हो उसने इन इलास्टिक कोलिजन के थ्रू आपके जो एटम या सैंपल के साथ इंट्रैक्शन किया हो जिस वजह से उसकी थोड़ी सी एनर्जी लूज हो गई हो, उसने एनर्जी एक्सचेंज किया हो, तो सेकंड चांसेस स्टॉक लाइन के हैं। उसके बाद एंटी स्टॉक लाइंस के चांसेस अक्कर करने के मिनिमम हैं, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे शो की हुई है। तो हमारे पास रमन के लिए ये फ्रिक्वेंसी चेंज ही हम पढ़ते हैं क्योंकि रेले ने बोला था कि फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं आएगा, लेकिन रमन ने बोला फ्रिक्वेंसी चेंज आएगा, तो इसलिए हमने जो उसका फ्रिक्वेंसी चेंज है उस पर सबस्क्रिप्ट क्या लिख दिया, रमन लिख दिया। एंड दैट्स वाई वी कॉल इट एज रमन शिफ्ट्स। दीज शिफ्ट्स आर फॉल इन द रीजन ऑफ 100 to 4000 सेंटीमीटर इनवर्स। और वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है तो आप इसे डिवाइड कर सकते हो लैम्डा के साथ। नेक्स्ट आपके सिलेबस में जो है दैट इज़ क्लासिकल थ्योरी ऑफ रमन स्पेक्ट्रोस रमन स्कैटरिंग। ये टॉपिक मैंने पठानिया की बुक चूज़ की है, आप इसे BSc फाइनल ईयर की बुक में से भी कर सकते हो। द क्लासिकल थ्योरी ऑफ रमन इफेक्ट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पोलराइजेबिलिटी थ्योरी, वी विल डिस्कस ब्रीफली इट हेयर। तो यहाँ पर जो सबसे पहले हमें एक्सप्रेशन मिला वो डाइपल मोमेंट का, पोलराइजेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल विद इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो ये रिलेशन आपने डिराइव नहीं करना, सीधा यूज़ करना है क्लासिकल थ्योरी क्या बोलती है। अभी हमने जो थ्योरी डिस्कस की थी ये थी क्वांटम थ्योरी, और जो अब डिस्कस कर रहे हैं वो क्लासिकल थ्योरी है। क्लासिकल थ्योरी का जो बेस है वो पोलराइजेबिलिटी है। E=E₀ sin 2π(μT), ये आपने कुछ भी डिराइव नहीं करना, सिंपल डायरेक्ट रिलेशन यूज़ करने हैं। तो हमने E का वैल्यू फिल कर दिया। E₀ क्या है, उस जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है उसका एम्पलीट्यूड, जैसे वो इस वेव के फॉर्म में है तो ये इसका एम्पलीट्यूड हो गया, इसे हम क्या बोल रहे हैं E₀। तो अल्फा में फिल कर दिया। फर्दर जो आपका पोलराइजेबिलिटी फैक्टर है वो डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन क्यू, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन पर डिपेंड करता है। तो उसका एक्सप्रेशन आप कैसे दोगे, α=α₀+ (Δ₀) क्योंकि वो वेरी करता है विद क्यू, तो उसका पार्शियल डेरिवेटिव लोगे, अल्फ़ा का पार्शियल डेरिवेटिव विद क्यू इंटू क्यू। क्यू इज डिस्क्राइब्स एज द मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन के साथ वेरी करता है। फर्दर जो आपका क्यू है वो किस उसका इक्वेशन क्या है, q=q₀ sin 2π(μT), अगेन मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड है वो क्या होगा, q₀। तो आपने इसकी वैल्यू फिर से इसमें फिल कर दी। अभी अल्फ़ा की वैल्यू हम इस इक्वेशन में फिल करेंगे तो हमें अपने क्लासिकल एक्सप्रेशन मिल जाएगा रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का। ये आपने कुछ नहीं करना, अगर आप फर्दर इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो आप sin x into sin y के लिए cos a - b, जो हम करते हैं sin a into sin b को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ cos a - b - cos a + b। तो अगर आप इस एक्सप्रेशन से करते हो तो आपके पास ये रिलेशन डिराइव हो जाएगा, लेकिन आपको इतना सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। फर्दर जो रमन स्पेक्ट्रा है वो नॉर्मल हमारे IR स्पेक्ट्रा से वेरी क्यों करता है, क्योंकि रमन में हमने क्या कंसिडर किया है कि उस मॉलिक्यूल के अंदर चेंज ऑफ पोलराइजेबिलिटी होनी चाहिए। जैसे हम क्या कहते हैं, इंड्यूस डाइपोल का कंसेप्ट होता है ना, कि हाइड्रोजन एज सच आपके पास डाइपोल मोमेंट, उसका कोई भी नेट डाइपोल मोमेंट नहीं है। जो आपके पास होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं, H2 हो गया, N2 हो गया, O2 हो गया, तो वो IR स्पेक्ट्रा इसलिए शो नहीं करते क्योंकि उनके पास कोई परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं है।
जैसे HCl हो गया, अभी HCl में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्ट कंसिडर होने की वजह से HCl IR शो करता है पर H2 नहीं शो करता। हाउएवर ये सारे जो होमोन्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं ये रमन स्पेक्ट्रा शो करते हैं क्योंकि हम इनमें पोलराइजेबिलिटी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, पोलराइज इनके क्लाउड को हम ओवल शेप बना सकते हैं। क्लियर? तो ये आपके पास था रमन की क्लासिकल थ्योरी। यहाँ पर भी सिलेक्शन रूल वाइब्रेशन के लिए सेम रहेगा, लेकिन आपके पास वाइब्रेशन के लिए प्लस माइनस वन होगा, लेकिन हाउएवर जे के लिए आपका सिलेक्शन रूल इस बार चेंज हो गया, प्लस माइनस टू हो गया। तो यहाँ पर नेक्स्ट आप करोगे, सिलेक्शन रूल अगर वेरी कर गया प्लस माइनस टू से, ज़ीरो का मतलब हो गया रेले स्कैटरिंग, प्लस माइनस टू स्टॉक्स और एंटी स्टॉक्स के लिए फिक्स हो गया। हमने एनर्जी का एक्सप्रेशन किया था वो मैंने बेनवेल की बुक से एक्सप्लेन किया था, जब रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो वहाँ पर हमने एनर्जी का एक्सप्रेशन किया था बी जे जे प्लस वन, तो वही हम इसे यूज़ कर रहे हैं। बस ट्रांजिशन अभी कहाँ से होंगी, लेवल हमें बोल दिया, ज़ीरो से कहाँ तक जाना है हमें, टू तक जाना है। ठीक, तो अभी जे की वैल्यू आप फाइनल में टू पुट करोगे, जे डैश की आपकी ओरिजिनल वैल्यू क्या है, ज़ीरो। तो मैंने यही किया है, जे प्लस टू से जेथ लेवल पे जाना है, जेथ से कौन सी ट्रांजिशन पढ़ोगे, जे प्लस टू। अगर हम बात कर रहे हैं जेथ लेवल की तो हम आगे कौन सी एक्साइटेशन लेंगे, जे प्लस टू। तो आप ये लिया फाइनल माइनस इनिशियल किया, तो आप इसे सॉल्व करके देखना, जब आप इसकी वैल्यूज़ फिल करोगे, जे प्लस टू फिल करोगे इस इक्वेशन में एक बार, फिर आप इसमें जे फिल करोगे, फिर आप उसका डिफरेंस लोगे, तो आप इसे फाइंड आउट करोगे। हम इसे सिंपलीफाई कर लेते हैं एक बार, सो दैट कि आपको कंफ्यूजन ना रहे। आपके पास जो एनर्जी का एक्सप्रेशन है वो क्या है, बी जे जे प्लस वन। क्लियर? तो यहाँ पर आपने इसका एनर्जी चेंज लिया, तो आप क्या करोगे, जे प्लस टू पर चलना है, बी जे प्लस टू इंटू जे प्लस थ्री माइनस, फाइनल लेवल कौन सा है, फाइनल लेवल आपके पास माइनस ऑफ बी जे जे प्लस वन। तो आप इसे सिंप्लीफाई करोगे, जब इसका डिफरेंस लोगे, तो आपके पास जो फॉर्मूला वैल्यू आएगी फोर बी फोर जे प्लस सिक्स। अगर आपसे नहीं हुआ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। फिर उसके बाद आपके पास जो एक्साइटेड स्टेट होगी आप उसका प्लस माइनस लोगे, तो आपके पास जो एनर्जी गैप्स हो गए, एनर्जी ट्रांजिशन के बीच एनर्जी गैप होगा वो इसी रेशियो का होगा प्लस माइनस, तो उसी हिसाब से अगर प्लस हुआ तो एंटी स्टॉक लाइंस होंगी, तो माइनस हुआ तो स्टॉक लाइंस हो जाएंगी। नेक्स्ट, तो यहाँ पर आपको स्पेक्ट्रा शो किया हुआ है, तो आप कैसे कर सकते हो, जे ज़ीरो से आपका किस लेवल पे जा सकते हो, ज़ीरो से आप टू जा सकते हो, वन से थ्री जा सकते हो, तो उस वे में आपके पास लाइंस आ जाएंगी। अगर आप ज़ीरो पे ही रहे, डिफरेंस ज़ीरो ही रहा, तो रेले बन जाएगा। अगर आप प्लस जे से जे प्लस टू से जे पे वापस आए, ओरिजिनल लेवल पे वापस आए, तो आपके पास जे से जे प्लस टू की ट्रांजिशन आपके पास स्टॉक्स होंगी, और जे प्लस टू से जे पे वापस आए तो आपकी ट्रांजिशंस क्या होंगी, एंटी स्टॉक लाइंस होंगी। तो ये आपको एंटी स्टॉक शो कर रही हैं, ये आपकी स्टॉक लाइंस है। क्लियर? अभी हम डिस्कस करते हैं रोटेशनल वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्योंकि हमने पढ़ा था कि वाइब्रेशन विदाउट रोटेशन इज़ नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पर भी सेम सिलेक्शन रूल रहेगा, डेल्टा न्यू प्लस वन, जे प्लस माइनस टू, प्लस ज़ीरो प्लस माइनस टू। इसके लिए मैंने ये एक्सप्रेशन सॉल्व किया है, हम इसे एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, फिर से जैसे मैंने बेनवेल में करवाया था, मैं सेम चेंजेस करती जा रही हूँ। E इज इक्वल्स टू E रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल होगा, उसी तरह से वेव नंबर का। तब हमने बोला था कि हमारा रिजिड रोटर नॉन रिजिड रोटर है और हमारा जो वाइब्रेशनल फंक्शन है वो एन हार्मोनिक ऑसिलेटर है, तो हमने एक्सप्रेशन ऐसे चेंज कर दिया था। फिर हमने बोला था कि सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कॉन्स्टेंट्स हैं, उनकी वैल्यू बहुत स्मॉल है, तो एक्सप्रेशन इसमें सिंप्लीफाई हो सकता है। ये आपका एक्सप्रेशन हो गया। फिर हमने क्या बोला था, डेल्टा न्यू प्लस माइनस वन, डेल्टा जे प्लस माइनस वन, जो हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए बोली हुई है, तो उसी वे में हमने इसका डिफरेंस लिया था। जे इस बार मैंने जे डैश को ओरिजिनल लेवल लिया है, जे डैश पर फाइनल लेवल रोटेशनल लेवल लिया है, तो उसी तरह से मैंने इसकी वैल्यूज़ फिल करी। जे डैश प्लस वन थ्री बाई टू ओमेगा ई नाइन बाई फोर इस एक्सप्रेशन में ही, प्रीवियस वाले में। फिर उसके बाद हमने क्या किया था, बी जे डैश प्लस वन ओमेगा ई, तो इसको डिफरेंस सिंप्लीफाई किया, तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन आया था।
ओमेगा नॉट को मैंने ये एक्सप्रेशन से रिप्लेस कर दिया था। अभी रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर डेल्टा जे प्लस माइनस टू में चलेगा। अगर आपका डेल्टा जे प्लस टू हुआ तो आपके पास ये एक्सप्रेशन हो गया, तो आपका एक्सप्रेशन इसमें चेंज हो जाएगा, फिर जे की वैल्यू ये रहेंगी। फिर डेल्टा जे माइनस टू हुआ तो आपके पास ये वैल्यूज होंगी। इसको हम क्या बोलेंगे, ये ओ ब्रांच के लिए इक्वेशन है, ये एस ब्रांच के लिए इक्वेशन है। अगर आप इसे कंबाइन करना चाहते हो तो वहाँ पे हमने एम इंट्रोड्यूस किया था, एम को हमने प्लस माइनस वन बोल दिया था, दोनों इक्वेशन का आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो ये था आपके लिए इसका एक्सप्रेशन। तो अगर आपको इस डायग्राम को सिंप्लीफाई से सिंपल सा ड्रॉ करना है तो आप क्या करते हो, ओ ब्रांच में आपने बड़े से शुरू होके छोटे पे जाना होता है, टू से शुरू होके आप ज़ीरो पे जाओगे, थ्री से शुरू होके आप वन पे जाओगे, फोर से शुरू होके आप टू पे जाओगे। तो डिफरेंस देखो आपके पास माइनस टू का आएगा ना इस साइड, ये डिफरेंस आया आपके पास माइनस टू का। फिर आप इधर कैसे जा सकते हो, ज़ीरो से आप प्लस टू पे जाओगे, प्लस वन से आप थ्री पे जाओगे। तो आप डिफरेंस लेके देखो, टू माइनस ज़ीरो क्या होता है, प्लस टू, तो इस साइड आपके पास प्लस टू चलेगा। और अगर आप ज़ीरो से ज़ीरो चले, वन से वन चले, टू से टू चले, तो आपके पास ये ब्रांच क्या बनेगी, क्यू ब्रांच। मैंने कल भी बताया था अल्फ़ाबेटिकल, ये देखो क्यू आपके ज़ीरो के कॉरस्पॉन्डिंग होता है। क्यू से पहले एक अल्फ़ाबेट कौन सा होता है, पी, पी से पहले कौन होता है, ओ। तो अभी हम टू पर चल रहे हैं तो हमारे पास ब्रांचेस कौन कौन सी बनेगी रमन में, ओ बनेगी, क्यू बनेगी और एस बनेगी। ओ क्यू एस ब्रांचेस बनेगी रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।